गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल तो काफी पहले ही बज चुका था, लेकिन यहाँ का राजनीतिक माहौल तो तब गर्माया जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में करीब 3.5 दशक तक गुजरात नर्मदा आंदोलन चलाने वाली मेधा पाटकर दिखी। शाह मोदी से लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरा, कहा जिसने गुजरात वासियों को नर्मदा से दूर रखा, दुनिया के सामने बेइज्जती कराई, उसके गले में हार डालकर राहुल गांधी निकल पड़े हैं। बीजेपी ने मेधा पाटकर को गुजरात विरोधी भी बताया। अब जब मामला गरमाया तो नर्मदा आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है और पूछा है कि क्या बीजेपी डरी हुई है कि लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेताओं के लिए इस तरह का हमला करना इसीलिए आसान बन गया है क्योंकि नर्मदा घाटी परियोजना के तहत बनने वाले सरदार सरोवर बांध के निर्माण के खिलाफ मेधा पाटकर ने लगभग 3.5 दशक से भी ज्यादा वक्त तक आंदोलन चलाया था। 90 के दशक से लंबी अदालती लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बांध बनाने की इजाजत दे दी और अब इसके पानी और बिजली का लाभ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को मिल रहा है। लेकिन कई जानकार मानते हैं कि मेधा पाटकर की लंबी लड़ाई की वजह से ही प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले किसान आदिवासी विस्थापितों को अच्छा मुआवजा मिला। प्रोजेक्ट में गई उनकी जमीन के बदले जमीन मिलने लगी, ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। हालांकि मेधा पाटकर और उनके आंदोलन की वजह से वर्ल्ड बैंक ने 1993 में इस बांध के लिए फंडिंग रोक दी थी, जिसका जिक्र पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में भी किया था। वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए $45 लाख देने का ऐलान किया था। इसे बांध विरोधियों की एक बड़ी जीत माना गया था और मेधा पाटकर तभी से गुजरात में इस बांध की समर्थक सरकारों की आंख की किरकिरी बन गई थी। ये भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी नर्मदा बांध को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था। उस जमाने में कांग्रेस की चिमन भाई पटेल ने भी इस मेधा के आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन मेधा पाटकर सिर्फ सरदार सरोवर बांध के विरोध की वजह से बीजेपी के निशाने पर नहीं है। वो 2002 में गुजरात में हुए दंगों के खिलाफ आंदोलनों की अगुवाई भी कर चुकी है। गुजरात में उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, शायद यही वजह है कि मेधा पाटकर का जिक्र बीजेपी का हर नेता ऐसे कर रहा है जैसे वो कोई देशद्रोही हो, उन्हें गुजरात विरोधी कहा जा रहा है। इसी साल उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज किए गए। खैर, राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल होकर विरोधियों के निशाने पर आई मेधा पाटकर ने फिर से करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वे मेरे नाम का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का जिक्र करते हुए मेधा पाटकर ने पूछा वो हमारे नाम से लोगों से अपील क्यों कर रहे हैं कि लोग कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को वोट ना दें, क्या वो डरे हुए हैं कि लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। मुंबई में पैदा हुई पाटकर ने मुंबई की झुग्गियों में बसे लोगों की सेवा की। 28 मार्च 2006 को नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नर्मदा पर बन रहे बांध के निर्माण को रोकने की याचिका भी दायर की। इसके बाद वो आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी। 13 जनवरी 2014 को वो आप में शामिल हुई। वो मुंबई की उत्तर पूर्व सीट से 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। हालांकि एक साल बाद 2015 में आप से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के निकाले जाने के बाद मेधा ने भी पार्टी छोड़ दी थी। फिर कभी सीए तो कभी माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाती रही। बता दें कुछ वक्त पहले देश के जाने माने कॉलमनिस्ट स्वामीनाथन अय्यर ने भी नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर मेधा पाटकर को गलत ठहराया था और उन्हें मूर्ख बताया था। उन्होंने अपने एक लेख में नर्मदा प्रोजेक्ट में देरी के लिए मेधा पाटकर की आलोचना की थी, साथ ही पाटकर से माफी मांगने को भी कहा था। 2017 में डैम बन गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका उद्घाटन भी किया था। फिर अब जब मेधा पाटकर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले रही है तो बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है? क्या बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है या इसे मुद्दा बनाना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।